से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्वालियर से आपको बताते हैं, जहां ग्वालियर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, ग्वालियर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लगातार आपको बता दें आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्वालियर से, जहां गल्ला व्यापारी से लूट का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। तो व्यापारी से 35 लाख रुपए की लूट हुई थी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं जो है ग्वालियर में बढ़ती जा रहे हैं, और इन घटनाओं को देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि बदमाशों को ना पुलिस का खौफ है ना कानून का। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ और पूरा मामला था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं ग्वालियर में हो रही है, साफ तौर पर ये जाहिर है कि जो बदमाश है उन्हें ना कानून का कोई खौफ है और ना ही पुलिस का। देखिए शामी, मैं आपको बता दूं, पिछले 5 दिन के अंदर ताबड़तोड़ शहर में घटनाएं घटी हैं। खासकर बात की जाए तो 3 लूट की वारदातें घटी हैं, एक पार्षद की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही है। यहाँ पे पुलिस की जो सर्चिंग होती है, चेकिंग पॉइंट होती है, या नाइट गश्त होता है, उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ग्वालियर में जो 2 लूट हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्वालियर में एक पार्षद की, बीजेपी पार्षद की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 2 आरोपी फरार और उनपे इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, डबरा की लूट, गल्ला व्यापारी के साथ जो 35 लाख रुपए की लूट हुई थी, वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। चूंकि पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर काफी सवाल दागे हैं और ये कहा है कि पुलिस लापरवाह है और पुलिस के इशारे पर या कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में दोषी है, जिस तरह से लूट की वारदातें घट रही हैं। इमरती देवी ने यह भी अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्दी ही लूट की वारदातों का खुलासा नहीं हुआ और आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो एक बड़ा आंदोलन डबरा में वो करेंगी। अभी एडीजी वर्मा और ग्वालियर एसएसपी के अमित सांगी डबरा पहुंचे थे और वहां उन्होंने निरीक्षण किया था, जो घटना स्थल था वो भी देखा था, वहां इमरती देवी से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से इमरती देवी ने संकेत दे दिए हैं कि शहर में अगर दोबारा से गड़बड़ी होती है और पूर्व गड़बड़ी जो हुई है उनके आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। तो ये कहीं ना कहीं चेतावनी पुलिस को दी है और पुलिस का ये दावा भी है कि जल्द से जल्द आरोपियों को वो गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि पुलिस ने जो गल्ला व्यापारी के साथ लूट हुई थी उस पूरे मामले में अभी 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, वहीं व्यापारियों ने भी अपनी ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। जी शामू, बिल्कुल संतोष, देखिए पुलिस के तरफ से तो लाख दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ जो है कई मामलों पर खाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पुलिस जो है मुस्तैद नहीं है, क्यों उनके हाथों जो है फिलहाल आरोपी अभी भी कोसों दूर है। देखिए अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो लगातार 2-3 महीने में ग्वालियर में इतने बड़े बड़े बीजेपी के इवेंट हुए हैं, इस इवेंट के चलते पुलिस और जिला प्रशासन काफी व्यस्त रहा है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट जो रहा है उसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बदमाश जो है उनको खुली छूट मिल गई थी और उन्होंने अपराधों को अंजाम दिया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है और जिसमें 4 से 5 युवक हैं जो एक कार के अंदर बैठे हैं, अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथों में जो हथियार दिखाई दे रहे हैं वो देसी हथियार है, यानी कि देसी कट्टा कहा जा सकता है। बाद में ये भी बताया गया है कि ये जो वायरल वीडियो डबरा का बताया गया है, फिलहाल पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के पास वो वीडियो भी पहुंचा है, क्राइम ब्रांच भी इस मामले में पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी अगर आपने देखा हो तो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस का ये भी दावा है कि हमने 2 लूट का खुलासा कर लिया है, 3री लूट का भी खुलासा जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। जहां तक पार्षद की हत्या का मामला है तो पार्षद की हत्या में 5 आरोपी नामजद हुए थे, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है,
दो आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। वही पांच जो आरोपी हैं वो अज्ञात बने हैं, उनको भी जल्दी से बिल्कुल संतोष है, देखना होगा कि आखिर कब ये तमाम बदमाश हुए, पुलिस के हत्थे छुटते हैं। फिलहाल संतोष हमारे साथ जुटने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।